हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ प्राची वेलकम टू आवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फोर्थ की uh, के मिसलिनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 19 यहाँ तक कि हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस कवर कर लिया हैं इस चैप्टर की उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज वेल well एज यहाँ तक के सभी चैप्टर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाके पहले इसको थ्रू कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं विद एग्ज़ाम्पल नाइनटीन ये एग्ज़ाम्पल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा अलग है कैसे करना है ध्यान से देखेंगे यूज प्रोडक्ट ये दो मैट्रिस आपको दे रखी हैं इसका प्रोडक्ट करना है और इसके प्रोडक्ट को यूज़ करके आपने सॉल्व करनी है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन्स को आपने सॉल्व करना है तो अगर हमें ये प्रोडक्ट ना दिया होता तो हम क्या करते सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं लास्ट एक्सरसाइज हमने ऐसी की है इसको हम मैट्रिस फॉर्म में बनाते हैं ए बनती एक्स वाई जेड लिख देते वो एक्स मैट्रिसेस बनती वन वन टू वो बी मैट्रिसेस बनती फिर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी सॉल्व करते हमारा एक्स आ जाता है एक्स वाई जेड बट हमें ऐसे नहीं करना हमने इसका प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है तो स्टार्ट करते हैं पहले तो प्रोडक्ट कर लेते हैं ठीक है तो करो प्रोडक्ट ये है ना आपके पास तो मैं यहीं पर लिखा है तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर देती हूँ दिस इनटू दिस ऐसे करते हैं ना प्रोडक्ट तो करो तो ये हो जाएगा टू वन जे टू प्लस नाइन वन जे नाइन प्लस टू सिक्स ट्वेल्व ठीक है फिर फर्स्ट फिर रो सेकेंड कॉलम तो ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस टू प्लस टू फिर नेक्स्ट फिर हो जाएगा वन प्लस थ्री प्लस फोर ठीक है नेक्स्ट अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस एटीन प्लस एटीन फिर हो जाएगा ज़ीरो प्लस टू टू ज फोर और स्टूडेंट्स एक चीज़ और इस क्वेश्चन के अंदर आपके एन सी आर टी में मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे एक यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है और इस मैट्रिसेस के अंदर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है ठीक है और यहाँ माइनस है ये चीज़ ध्यान रखेंगे ठीक है थोड़ा सा प्रिंटिंग है तो आप देख लेते हैं इसको दोबारा से दिस इज माइनस टू दिस इज माइनस नाइन तो इसको मैं दोबारा से करती हूँ तो हम इसका प्रोडक्ट करने वाले हैं ठीक है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस नाइन एंड थ्री टूजा ट्वेल्व ठीक है नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ज़ीरो माइनस टू एंड प्लस टू नेक्स्ट वन प्लस थ्री माइनस फोर ठीक है नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस इज जीरो प्लस एटीन माइनस एटीन नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जीरो प्लस फोर माइनस थ्री सेकेंड रो थर्ड कॉलम जीरो थ्री टू सा माइनस सिक्स प्लस सिक्स फिर अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का सिक्स माइनस का नाइन टू सा एटीन प्लस का फोर सिक्स ट्वेंटी फोर फिर थ्री जीरो जीरो माइनस फोर प्लस फोर फिर थ्री माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सिक्स माइनस का एट ठीक है तो देखो ये क्या आता है हम ये सॉल्व कर रहे थे इसका प्रोडक्ट तो लेट दिस मैट्रिक्स मैट्रसिस बी ए लेट दिस मैट्रिक्स मेट्रसिस बी बी अब इनका जो प्रोडक्ट आया है वो देखो क्या आया है ये हो गया ट्वेल्व माइनस इलेवन वन जीरो फोर माइनस फोर जीरो एटीन माइनस एटीन ज़ीरो फोर माइनस थ्री वन सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर फोर माइनस फोर एंड नाइन माइनस एट वन तो ये आ गया आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि जब मैंने ए मैट्रिसेस को बी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया आई मैट्रिसेस ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया तो यही चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है क्या पड़ा है कि अगर हम किसी ए मैट्रसेस को बी मैट्रसेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि जो बी है बी इज द इन्वर्स ऑफ ए या फिर हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि ए इज द इन्वर्स ऑफ बी इसको ऐसे समझिए Key. इसको हम ऐसे समझते हैं मान लो कोई एक जो एलिमेंट है मान लो फाइव है ठीक है कोई एक नंबर फाइव है उसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वन आ जाए अब सेम चीज़ जो है ये तो मैट्रिसेस फॉर्म में वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया है ना ये दोनों अलग मैट्रिसेस हो गई तो फाइव को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि वन आ जाए तो वन बाई से करूँगी तो वन बाई इज़ द इनवर्स ऑफ फाइव इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि वन बाई फाइव को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वन आ जाए फाइव से करूंगी तो फाइव इज द इनवर्स ऑफ वन बाई फाइव तो ये दोनों ही केसेस होते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए और ए इज़ द इनवर्स ऑफ बी क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है ठीक है तो क्या हो सकता है यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि ए इनवर्स जो हो गया वो मुझे मिल गया बी यानी कि ए इनवर्स जो है वो बी मैट्रिक मिल गई मेरे को ये क्या है आपके पास माइनस टू नाइन सिक्स ज़ीरो टू वन वन माइनस थ्री माइनस टू ठीक है अब हमें क्या करना है हमें क्या करना था हमें तो सॉल्व करनी है ये इक्वेशन ठीक है ये इक्वेशन को हम अगर इसकी फॉर्म बनाते हैं ठीक है मैट्रिसेस की फॉर्म बनाते हैं तो क्या बनेगी मैट्रिसेस की फॉर्म अगर मैं इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखती हूँ तो क्या लिख सकती हूँ मैं लिखो इसको क्या है ये मेट्रेस फॉर्म वन माइनस वन टू यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो दिस इज टू एंड दिस इज माइनस थ्री दिस इज थ्री दिस इज माइनस टू फोर और यहाँ क्या होगा आपका एक्स वाई जेड और यहाँ पे क्या है ये है ये वन वन टू ठीक है अब क्या है अब यहाँ पर हमने इसको हम मान लेते हैं ए क्यों ये मान रहे हैं क्योंकि ध्यान से देखो ये भी सेम मैट्रिसेस है वन माइनस वन टू जीरो टू माइनस थ्री थ्री माइनस टू फोर सेम मैट्रिसेस है ये हो गया एक्स अब मैं इसको बी नहीं मानूंगी क्योंकि बी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मान रखा है तो इसको कोई और नाम दे देते हैं इसको हम सी मैट्रिसेस नाम दे देते हैं तो मुझे क्या चाहिए मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स कैसे आता था एक्स आता है ना ए इनवर्स और जो यहाँ मैट्रिसेस होती है उसको मल्टीप्लाई करके अब अभी अभी हमने फाइंड करा कि ए इनवर्स हमने क्या फ़ाइंड किया है कि वो बी ही है है ना ये वाला निकल के आया अब ये निकल के आया है बी इनवर्स ए इनवर्स तो मैं डायरेक्ट ए इनवर्स यहाँ पे लगा दूंगी हेयर हम लिख देंगे कि ए इन्वर्स हमें क्या मिला है वो बी मैट्रिसेस मिली है ये वाली तो यहाँ लिख दो डायरेक्ट ये हो गया माइनस टू नाइन सिक्स जीरो टू वन वन माइनस थ्री माइनस टू और यहाँ पे सी सी ये वाली मैट्रिसेस है वन वन टू ठीक है अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दिस इंटू दिस ये हो जाएगा माइनस का टू प्लस का ज़ीरो एंड प्लस का टू फिर इसको करेंगे हम ये हो जाएगा नाइन प्लस का टू माइनस का सिक्स फिर इसको करेंगे दिस इज सिक्स प्लस वन माइनस फोर तो यहाँ से एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स वाई जेड क्योंकि यही हमने लेट किया हुआ था है ना एक्स वाई जेड ये लेट किया हुआ है और यहाँ से इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं ये हो जाएगा ज़ीरो ये हो जाएगा इलेवन माइनस सिक्स फाइव दिस इज सेवन माइनस फोर थ्री ठीक है तो यहाँ से आपके पास x आ गया जीरो y आ गया फाइव और z आ गया थ्री दिस इज योर आंसर तो क्या है यही हमें फाइंड करना था सॉल्यूशन निकालना था हमको ठीक है तो सॉल्यूशन अगर हमें ये ना दिया हो, तो हम तो डायरेक्ट ये लगाते फिर ए इन्वर्स फाइंड करते निकालना ए मैट्रेस से उसका ये इनवर्स दे रखा है लेकिन उन्होंने बोला इसका प्रोडक्ट यूज़ करो जैसे हमने इसका प्रोडक्ट यूज़ किया था तो हमें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पड़ा यहाँ पे हमें उसका कॉन्सेप्ट पता था कि अगर ऐसे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो बी ही इसका इन्वर्स है तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो हमने बी यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली ठीक है तो ये था आपका एग्जाम्पल नाइनटीन्थ थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट थैंक यू